बाइलिनियर फॉर्म, ठीक है, ए मैप ऑफ द फॉर्म, ए मैप ऑफ द फॉर्म एफ जेड इक्वल टू समथिंग लाइक ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी, ओके, एंड विथ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। एक्चुअली ए जीरो होने पे क्या हो जाएगा, एफ कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो अलग इशू है, तो ए कॉन्स्टेंट ना हो इसलिए इसको हम लोग नॉन जीरो लेते हैं। वो जब हम कॉन्स्टेंट मैपिंग वाला एक दिन में लेकर पढ़ाऊंगा कि इससे भी बेस्ट बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कब कॉन्स्टेंट मैपिंग होगा, कब एनालिटिक होगा, तो उसके कुछ रिजल्ट जो डायरेक्टली आपके लगते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में करूंगा। बस आपको सिंपली समझिए कि इस टाइप का फॉर्मेट है, इसको हम लोग बोलेंगे बाइलिनियर मैप, ठीक है, ए मैप ऑफ द फॉर्म। इतना डायरेक्टली लिख देता हूँ बीटी, ओके। अब इसमें कुछ जो होता है कि जैसे इसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्चुअली मैं कुछ और बताने जा रहा था लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बताना जरूरी है, ठीक है। ये जो मैपिंग आपका डिफाइंड होता है सी टू सी होता है, और एक चीज ए सी टू सी होता है बट इसमें इन्फिनिटी वाला टर्म ऐड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इस पे बेस्ट एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो गेट में पूछा हुआ है। तो ए मैप जो होता है इज ए वन वन बट नॉट ऑन टू, ठीक है, यहां पर बोल दीजिए जेड नॉट इक्वल टू माइनस डी बाई सी, सॉरी माइनस डी बाई सी होगा ना, ओके okay. इसको छोड़िए, इससे कोई ज्यादा काम नहीं, बस मैंने जो हिंट दिया इस पॉइंट को लेके आपको निकल लेना है कि इस पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो भी कोई एक पॉइंट को उठाना जहां पे इसमें आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाए बट इसका प्री इमेज ना मिले, ठीक है। वहां ऑन टू के लिए हम कुछ इस टाइप से देखते थे कि इधर कोई भी एक एलिमेंट जैसे था कि अगर हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ प्री इमेज मिल रहा है तो ऑन टू होगा, और कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका करस्पॉन्डिंग कोई भी इधर प्री इमेज नहीं हो तो हम बोलते थे कि वो ऑन टू नहीं होगा, वही काम मैं यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। इन जनरल जो हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़े, सॉरी नंबर थ्योरी पढ़े थे तो वही वाला है। और ओके मैं ना आपको डायरेक्टली कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ जो ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। तो एक बाइलिनियर वाला देख लेना, बस यहाँ से क्या स्ट्रक्चर ले लीजिए, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन शुरू में डिस्प्ले किया था तो उस पर हमें आना होगा। और यहाँ पे हम लोग एफ जेड ले लिए, ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, ओके okay? और ऑब्वियस ही बात है हम लोग ये डायगोनल लेते हैं ए डी माइनस बी सी, ए क्या इक्वल टू जीरो नहीं होगा, बस एक कंडीशन लेके चलना है। अब इसी पे मैं कुछ इससे पहले मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ कि एक होता है ए आर, पहले आर से बताता हूँ, ठीक है। ए आपका एक मतलब एक सोई प्लेन है, ठीक है, इसमें इधर क्या है ए आपका आर प्लस है, ठीक है, ए आपका आर माइनस है, और ये क्या है एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग यूज करेंगे, आर प्लस क्या हो गया आपका ए पूरा, ये आर प्लस रीजन होगा, इसको आर प्लस ऐसे नोट करें, या आपके जो सिंबल में लिखता है ना कभी जो कॉम्प्लेक्स में लिखता है कभी कभी नीचे प्लस लिख देता है, ठीक है, एक दो जगह ऐसे लिखा हुआ है, बाकी आपको आर प्लस ही ऐसे लिखा रहता है। ए आर माइनस, आर माइनस क्या है इधर का एरिया, ठीक है, मतलब आर निगेटिव, ओके। अब एक दूसरा टर्म मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को, हालांकि मुझे लगा था बाइलिनियर ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा लेकिन ये दिया हुआ है। अब जो ए ऊपर वाला पर्सन है, ठीक है, इसको एच प्लस से डिनोट करते हैं, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको h माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। तब हमारे जितने भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगा, h प्लस h माइनस r प्लस r माइनस, इनके बीच में बात होगा और इसी पे क्वेश्चन पूछता है आपका, और इसके लिए मैपिंग हम a वाला लेते हैं, और इसमें a b c d इन्हीं के कंडीशंस को देख के हम लोग
बताते हैं कि क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले किया था, यहाँ पे देखिए 1 + z / 1 - z है, और ये सब इसको मैं दूसरे टर्म में भी बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और भी डिस्प्ले किया था, ये देखिए। अच्छा यहाँ पे भी वही बात जो बोला वो लिखा हुआ है नीचे में, देखिए यहाँ आर प्लस नीचे लिखा हुआ है और आर माइनस नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो ऊपर प्लस लिखे नीचे प्लस लिखे, मीनिंग समझ में आएगा आपको। और इसमें कुछ इमेज होती है, इसका भी मैं बता दे रहा हूँ कि किस टाइप से रिलेटेड है, क्योंकि इसको, क्योंकि ये तो आपको ज्योमेट्रिकली समझ में आ गया कि किस टाइप से होता है, तो इसको थ्योरेटिकली भी एक बार बता दे रहा हूँ मैं। तो अब इसको एक बार हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं कि कैसे होता है। एच प्लस एच माइनस आर प्लस आर माइनस आपको समझ में आ गया, तो आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आप समझते हैं। इसको ऐसे समझिए और फिर ऐसे समझिए, सॉरी, ठीक है। मैं ऐसे क्यों रिप्रेजेंटेशन लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इस टाइप का दिया रहता है, तो दोनों का एक ही मतलब है। अब इसको हम लोग इसमें बात करें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करें, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स पॉजिटिव लिख सकते हैं, इसको एक्स निगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। अब रियल में बात, सॉरी कॉम्प्लेक्स में बात करें, तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या लिखते थे इस टाइप से, और रियल पार्ट को लिखने का तरीका है रियल ऑफ जेड इक्वल टू एक्स ऐसे लिखते थे, और इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू ऐसे कुछ हम लोग बोलते थे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, इसको बोलते थे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ओके। अब यहां से देखिए मैंने ले लिया ओ सारे जेड, कौन से जेड, सच दैट, अब हम लोग क्या रियल प्लस ले रहे हैं ना, तो मतलब रियल प्लस क्या ये लिखेंगे, रियल ऑफ जेड सच दैट रियल ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो। लैंग्वेज में समझ में आ गया, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं जिसका रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, ये पोर्शन आ जाएगा आपका पूरा, ओके। इसी तरह आर माइनस और आर माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम किसी को, जब तक मैं नोट डाउन कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में इलियास जी ने कुछ यूजफुल चीज पोस्ट किया है जो आप लोग अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। उन्होंने पूरा क्लियर कट लिख दिया कि क्यों वो नहीं हो रहा था, ठीक है, ओके। तब तक मैं इधर नोट डाउन करूं, आर प्लस काम कर लिया, आर माइनस का सिमिलरली हो जाएगा, ओके। इसको आर माइनस मतलब निगेटिव वाला, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रियल जेड लेस देन जीरो, क्लियर, ओके। और भी चीज हम कुछ देख ले रहे हैं, एच प्लस इस टाइप से या एच प्लस इस टाइप से, इसमें ओ सारे जेड और एच प्लस मैंने क्या बताया था, एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया, तो ऊपर के एरिया को हम लोग इमेजिनरी, मतलब वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी वाई इमेजिनरी जेड बोलते थे, इसको क्या लिखेंगे, सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो। उसी तरह अगर एच माइनस हमें दे दिया या फिर इस टाइप से दे दिया, इसको क्या बोलेंगे, ओ सारे जेड जिसका इमेजिनरी पोर्शन क्या हो, लेस देन जीरो। तो ये हो गया इस एक्स वाई प्लेन को लिखने का तरीका। अब देखो आप यहां से कंपोजिशन बना लेना, क्या अगर मान लो आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में लिखना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट को, आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं ओ जेड, ठीक है, जेड मतलब जेड, ऑब्वियस सी बात है हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट, अब इसको क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो एंड रियल पार्ट ऑफ जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दे देगा, क्योंकि आपका ना ऐसे लैंग्वेज में दिया रहता है, तो बस आपको समझना है। इसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो गया आपका, ए हो गया, जिसमें क्या हो, इमेजिनरी पार्ट तो पॉजिटिव हो बट रियल पार्ट क्या हो, निगेटिव हो, क्लियर कट। उसी तरह थर्ड को क्या लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल इमेजिनरी पार्ट क्या हो, निगेटिव हो और रियल पार्ट भी निगेटिव हो, ठीक है। और लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जिसमें एक्स पॉजिटिव हो, जो वहां पे लिखते थे ना वही चीज यहाँ पे भी लिख रहे हैं, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन जीरो एंड रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो।
सही है ना सब, देख लेना कहीं लिखने उठने में जल्दी ही भाई। बस वही चीजें जो हम एक्स वाई लिख रहे हैं, एक्स की जगह हमने लिख दिया रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई की जगह लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ओके एक चीज और आपको बहुत बार मिलेगा डी, ठीक है। अब ये डी क्या होता है, सेट ऑफ मतलब यूनिट डिस्क होता है, ठीक है। तो इसको यूनिट डिस्क का पॉइंट हमें दिखाने के लिए इसको बोलते हैं यूनिट डिस्क, ठीक है। जब यूनिट डिस्क मतलब ए सर्कल विद रेडियस 1, ठीक है, ए सर्कल विद, ओके। तो इसमें होता है ओपन यूनिट डिस्क और एक क्लोज यूनिट डिस्क या सिंपली यूनिट डिस्क दिया रहता है। इसको जेड के टर्म में लिखेंगे तो आपने देखा होगा कि इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि जैसे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कि मोड जेड हम लोग का सर्कल आ रहा था, अब इसको लेस देन मान ले लेते, ओपन यूनिट सर्कल आ गया, ठीक है। या वो यूनिट डिस्क कर लीजिए और इक्वलिटी ले ले तो बाउंड्री पॉइंट भी हमारे पास इंक्लूडेड हो गया, ओके। लेकिन जो आपके बुक में चाहे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिर्फ या डी मतलब ओपन यूनिट डिस्क दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने डी क्लोजर ए सिंबल यूज किया है किसके लिए, जेड बिलोंग टू सी सच दैट मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसलिए मैं यही सिंबल यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये चारों पांच चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्व नहीं करवा रहा अभी, जस्ट रिप्रेजेंटेशन दिखवा रहा। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे देखिए वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो मतलब एच प्लस, ऊपर की बात कर दिया ये वाला एच निगेटिव, वो सारे जेड सच दैट इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो। थोड़ा देर पहले हमने देखा था नीचे का पोर्शन कर दिया, आर प्लस रियल पार्ट पॉजिटिव इधर का पोर्शन बात कर दिया और आर माइनस निगेटिव ए। तो हमें एक क्वेश्चन का अभी हमने जितना पढ़ा उससे सिर्फ इनका मीनिंग क्लियर हुआ है, ये चीज तो अभी बाकी रह गया, असली तो यही है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं दिखा दूंगा, अभी तो ज्यादा टाइम है नहीं कि मैं दिखाऊं। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन कुछ दिया था इस टाइप का, हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था, ओके। नेक्स्ट वन मैप्स दिस, ये क्या है, डी है जो मैंने अभी लिखाया। अब रियल पार्ट पॉजिटिव होता था इसको हम लोग क्या बोलते थे, आर प्लस। तो देखिए उसी चीज को लिखा है, क्या बोला डी से आर प्लस, ये बोला है कि यूनिट सर्कल में ऊपर मतलब ये सेमी यूनिट सर्कल इस टाइप का बात कर रहा है। ये देखिए इसका तो मतलब यूनिट ओपन डिस्क हो गया, ठीक है, और इसका मतलब सिर्फ ऊपर का पोर्शन, तो सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको कंबाइन करने आना चाहिए। अब इनटू, इनटू कहाँ कर रहा है, रियल पार्ट पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, मतलब ये बोला कि इसको कहाँ पे मैप कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैप कर रहा है। अब वो होगा नहीं होगा बाद की बात है, पहले आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने समझ गया, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ए इस एरिया को इस एरिया में मैप करेगा, ओके। थर्ड अब देख लेते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, यूनिट विथ लेस देन मतलब नीचे का एरिया, मतलब अगर यूनिट डिस्क हम लोग इस टाइप से बनाए तो इस एरिया की बात कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में कहाँ मैप कर रहा है, रियल निगेटिव इमेजिनरी निगेटिव, मतलब ए बोल रहा है कि इसको मैप करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। तो ए समझ में आया, ए आपका सेकेंड ऑप्शन था, ए थर्ड ऑप्शन था। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ क्या है, मैप्स यूनिट डिस्क के बाहर, तो यूनिट डिस्क के बाहर क्या हो जाएगा, डी कम्प्लीमेंट। अब इनको कहाँ पे मैप कर रहा है, इमेजिनरी पॉजिटिव मतलब ए ऊपर, यानी इसको हम बोल रहे थे एच प्लस। तो अब आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, अब यहां से देखिए ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए और एक क्लियर हो गया। और अगर मैं इनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करा दूं तो आपका क्वेश्चन सोल्व करने का टेक्निक पता चल गया, यहां भी वही था और भी क्वेश्चन थे, जस्ट मैं दो सिंपलिसिटी के लिए ले लिया। कहां गया जी? ओके ये चीज था। तो अब मैं जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूं, बहुत टाइम हमने ले लिया ऑलरेडी इस पे, ठीक है। अब रिजल्ट पे आते हैं, ये जस्ट क्योंकि आपको समझना जरूरी था कि किस टाइप से काम करता है, ठीक है। हम्म,
आपको मैं बताऊंगा जहां जहां ए एक्सेप्ट करके चलना है कि ए जो एच प्लस एच माइनस इस टाइप का, देखो अब यहाँ पे तो डिफाइन किया हुआ था ना, बहुत जगह डायरेक्टली दिया हुआ, जहां डिफाइन ही नहीं किया कि क्या होता है। तो अब ए कर देते हैं डायरेक्टली, जो मैंने नोट डाउन किया था वही लिख दो, द मोस्ट जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स अपर हाफ। अच्छा ये भी लिखा रहता है अपर हाफ, अपर हाफ का मतलब क्या हुआ, एच प्लस, क्लियर है, द मोस्ट जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स अपर हाफ टू। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो अपर हाफ को अपर हाफ पे मैप करेगा या अपर हाफ को लोअर हाफ पे मैप करेगा, ठीक है, तो या तो एच प्लस या फिर एच माइनस, अब कुछ कंडीशन होगा ना जी, तो देखते हैं। तो दैट मैप्स, तो पहले इसी में देख लें, टू इतना इज गिवेन बाय, ठीक है। अब इसका पार्ट ए देख ले रहे हैं कब, अच्छा मैपिंग मैं लिख ले रहा हूं, मैपिंग वही है, एफ एक्स इक्वल टू ए जेड, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ए जेड ए प्लस बी सी जेड प्लस डी, कोमा क्या था, अब वो चीज कंडीशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये सारे ये ध्यान रखिएगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन ये सारे एबीसीडी क्या है आपके, रियल नंबर है, ओके ठीक है। तो अब एच प्लस अपर हाफ को अपर हाफ पे कब मैप करता है, इफ ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड अपर हाफ को एंड एक सेकेंड, एच प्लस से एच माइनस में कब करेगा, अगर यही इसको ऐसे समझिए ना कि अभी से डिटरमिनेंट, एक तरह से डिटरमिनेंट ही निकाला ना, ए डी माइनस बी सी, ठीक है, ए डी माइनस बी सी क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, पॉजिटिव तो अपर हाफ को अपर हाफ पे, निगेटिव तो लोअर हाफ को लो। अच्छा ए इसमें दूसरा केस क्या हो जाएगा, अपर को अपर पे एंड लोअर को लोअर पे भेजेगा, मतलब सेम से सेम पे मैप करेगा, इसमें क्या होता है सेम से अपोजिट पे करता है, ठीक है, दैट इज एच प्लस को एच माइनस पे भेजेगा और एच माइनस को एच प्लस पे भेजेगा, ठीक है। कब, अगर ये मैपिंग आपको कोई स्टेप का दिया हुआ है तो क्या होगा, एच मतलब सेम प्लेन को सेम टू सेम हो जाएगा, सेम टू सेम मतलब अपर हाफ है तो अपर हाफ पे करेगा, लोअर हाफ है तो लोअर हाफ पे करेगा, दोनों का मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूं, इसलिए बार बार लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एच प्लस देखिए, एच प्लस ए था, ए मैपिंग क्या करेगा, और इसमें बी में अगर इस टाइप का हो रहा है, ए क्या करेगा आपको इस पे मैप कर देगा, क्लियर। और ये दूसरे केस में क्या था, अगर मान लो आपका कुछ नीचे का एरिया हो, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो अब ए क्या करेगा, इसको ऊपर वाले को ऊपर पे मैप कर देगा, नीचे वाले को नीचे पे, और ए क्या करेगा, ऊपर वाले को नीचे पे मैप कर देगा और नीचे वाले को ऊपर पे मैप कर देगा, ये दो रिजल्ट क्लियर। चलिए हम साथ में समझते भी चलते हैं ना, तो एक बार इतना इस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही बार इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि फिर ये ज्यादा टाइम लग जाएगा, अपने पास ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। अब आते हैं, ये हमने अपर टू लोअर कर लिया, अब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, मतलब आर प्लस आर माइनस की बात में करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसमें मैं कर लेता हूं अपर ब्रैकेट में लोअर, अपर टू लेफ्ट, ठीक है, या राइट, अपर वाला आपका राइट में जाता है
और लोअर वाला लेफ्ट में। अभी थोड़ा सा टेढ़ा आपके लिए लग रहा होगा, ठीक है, इसका मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है और कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अपर राइट पे और लोअर लेफ्ट पे, ये दोनों को एक साथ लिखने का तरीका है, ठीक है। लेफ्ट हाथ बोले, अपर राइट हाफ ही हुआ ना, ओके। अब इसमें आपका जो मैपिंग होता है, इसमें कुछ नहीं होता, वही है ए के पावर माइनस, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उसके बेस पे इसको सेटअप करना होता है। ठीक है, अब यहां पे अब ये ए डी माइनस बी सी पे डिपेंड करेगा, ओके। यहां पे हो जाएगा ए डी माइनस बीसी, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने से क्या हो गया, ए अपर वाला मतलब अपर वाला जैसे एच प्लस जा रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, एच प्लस से आर प्लस जाएगा और एच माइनस से आर माइनस जाएगा। अगर इस टाइप का मैपिंग है और ये हो रहा है, तो ए क्या इम्प्लाई करेगा, एच प्लस आपका जाएगा आर प्लस पे, एंड अगर एच माइनस हुआ तो कहाँ जाएगा, आर माइनस पे। इसको ज्योमेट्रिकली देखिए, ठीक है, अच्छा इसको ज्योमेट्रिकली ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एंगल देखिए क्या है, निगेटिव है, ठीक है। इसको मैं ज्योमेट्रिकली पहले वो कर दे रहा हूँ, फिर थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ समझ में। एच प्लस आपका ये है, ठीक है, एच प्लस ये कहाँ पे जा रहा है, आर प्लस पे, आर प्लस ए है आपका, क्लियर। एंड अगर एच माइनस है, कब ए वाला कंडीशन के साथ ध्यान रखिएगा, एच माइनस क्या होगा, नीचे का एरिया हो जाएगा, ए कहां पे जा रहा है, आर माइनस पे, तो आर माइनस आपका ए एरिया हो जाएगा, क्लियर। ये मैपिंग है आपका। अब इसको ये देखिए ना, आप रोटेशन कुछ इस टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा भूल जाइए, रुकिए। मान लीजिए हमारे पास ए लाइन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये हो गया हमारे पास से, इसको मैं इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, ठीक है। इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो क्या प्लेन बनेगा, ये देखिए मेरे पास ए प्लेन था, ठीक है, ये देखिए। अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया तो ए रीजन किधर, इधर आ जाएगा, तो एच प्लस आर प्लस बन गया, क्लियर। ये जो लाइन है मेरे पास लाइन, इसको पकड़ के इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया तो वही लाइन है मैंने। अब आप कैसे घुमाओगे ये चीज मैं समझा दे रहा हूं। यहां भी देखिए हमारे पास ए लाइन था, इसको नीचे घुमाया तो जब ए सॉरी हमारे पास ए नीचे वाला लाइन था, ठीक है, ए नीचे था, ऐसे था, अरे भाई रुक जा, ठीक है तू, ऐसे था। अब इसको घुमाऊंगा तो ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे क्या था, ऐसे था, तो ऐसे घुमाया था तो ऐसे बना था, ठीक है। मतलब अब हम इस तरह का क्यों घुमा रहे हैं, मतलब मैं क्या ईस्ट इधर का घुमा रहा हूं ना, ये देखिए जब हम लोग लेते हैं तो एंगल किधर मेजर करते हैं, इधर मेजर करते हैं प्लस थीटा, और अगर माइनस थीटा की बात हो तो किधर जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, सॉरी माइनस थीटा, ये होता है ना। अगर एंगल प्लस हो तो इधर जाएंगे, एंगल माइनस हो तो इधर जाएंगे, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे देखिए एंगल मैंने क्या लिया था, माइनस पाई बाई टू, मतलब हम क्या करें, माइनस मतलब माइनस का मतलब क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन, प्लस का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और पाई बाई टू क्या होगा, मतलब पाई बाई टू से रोटेट कर दीजिए, सारा ट्रिक किसी में आ गया। इसको 90 डिग्री से घुमा दीजिए, तो घुमा दीजिएगा तो ए वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ए वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये देखिए पूरा ये चीज बन गया। अब इसका इधर का एरिया बन गया, ओके। तो हमने इधर का क्यों घुमाया, क्योंकि एंगल हमारा था निगेटिव में पाई बाई टू। यहाँ पे भी देखिए जब ए था तो इसको आप पकड़ के घुमाएंगे तो ए पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ए पोर्शन यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, ए पोर्शन यहाँ पे आएगा, तो ये देखिए आपका ए वाला रीजन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और इधर क्यों घुमाया, क्योंकि एंगल निगेटिव था। तो क्लियर हुआ आप, ओके, इस कंडीशन के साथ में। चलिए
ऐसे दूसरा कंडीशन हम लोग करते हैं, तो इसको अगर मैं हिंट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ये याद रखने का तरीका है बस। कुछ नहीं, हमने बोला था ना कि क्या रोटेशन रिफ्लेक्शन, सॉरी रोटेशन ट्रांसलेशन एंड मैग्निफिकेशन का कम्बिनेशन होता है। तो रोटेशन भाई हमने कितना किया, 90 डिग्री, ठीक है, की साइड में, इधर लेफ्ट टू द राइट साइड ना, टू टू राइट साइड, ठीक है, दैट इज रोटेशन, रोटेशन बाई -90 डिग्री। तो -90 डिग्री आपका हो तो भी आप समझ सकते हो कि राइट साइड कर रहे हैं, या फिर 90 डिग्री का रोटेशन किधर करना है, राइट साइड में करना है, तो दोनों एक ही मीनिंग है। हाँ लेफ्ट राइट, ये भी शायद, एक सेकंड, क्लॉक का सबको पता होगा, क्लॉक का अभी हम लोग क्या करें, क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, रोटेशन टू बाई 90 डिग्री, टू क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है, या फिर अभी प्लस माइनस तो सबको पता ही है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 90 डिग्री से -90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, दो कर लिया ना, तीसरा कर लीजिए। अब इसी में हमने क्या लिया था, एफ जेड ई के पावर माइनस लिया था ना, अब प्लस ले लीजिए, ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, और वो पॉजिटिव वाला कंडीशन सेम रहेगा, सॉरी ए बी माइनस बी सी, ये सेम रहेगा। अब ये सिर्फ एंगल बदला है ना, तो तरीका बदल जाएगा, ठीक है, तो अब क्या करेगा, देखिए हम लोग किधर से कर रहे थे रोटेशन, रोटेशन बाई थीटा, अब थीटा इक्वल टू यहां क्या है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू क्या प्लस है, प्लस मतलब दैट इज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। तो अब ये क्या कर देगा, एच प्लस ऊपर वाला है तो इधर रोटेट करेंगे तो इधर क्या हो जाता है, आर माइनस हो जाता है ना, आर माइनस पे भेजेगा, एंड अगर एच माइनस है तो नीचे वाला इधर चल जाएगा, तो ये कहां भेज देगा, आर प्लस पे भेज देगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। एच प्लस ए था और इसको पकड़ के हमने इधर घुमा दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, इधर का एरिया आ गया, ठीक है, एच प्लस था, ए आर माइनस था, तो ए आ गया। उसी तरह अगर आपका एच माइनस क्या है, नीचे वाला एरिया, और इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, तो ए क्या हो गया, ऐसे हो गया ना, तो इधर का एरिया आ जाएगा ना, ठीक है, ये था आपका एच माइनस, ये हो जाएगा आर प्लस। तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। फोर्थ वन क्या है, अब हमारा रिजल्ट, अब हमने प्लेन टू प्लेन देखा, अब प्लेन टू यूनिट डिस्क देखते हैं, ठीक है, तो अब अपर प्लेन टू यूनिट डिस्क, यूनिट डिस्क मतलब वो जो डी हम लोग बात कर रहे थे, ओके, अब ये हो गया, तो अब अपर प्लेन टू यूनिट डिस्क, तो यूनिट डिस्क अपर प्लेन से यूनिट में जाएंगे, लोअर प्लेन से यूनिट में जाएंगे, राइट प्लेन से यूनिट में जाएंगे और लेफ्ट प्लेन से, तो हमारे पास एच प्लस एच माइनस आर प्लस आर माइनस था, तो इन चारों से इसमें जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास चार रिजल्ट बन गए, ओके। तो इनका नेचर मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइप से होते हैं, हालांकि क्वेश्चन आसान होता है, मैं सारा थ्योरी कवर कर रहा हूँ ना, तो शायद आप लोग को थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा सेशन, लेकिन कोई बात नहीं, अब करना तो है ना, टाइम तो है नहीं अपने पास, सॉरी क्या लिख दिया, पाई बी टू नहीं होता है ना,
इसमें थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर होता है। अलग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका कुछ थीटा रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड माइनस बीटा अपॉन में इसका कंजुगेट जो बीटा है इसका, यहाँ पे देखिए मैंने बार कर दिया, बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। अब यहाँ पे इसके नेचर पे बेस्ड में एक सेकंड, इसी में ना मैं दो रिजल्ट मर्ज कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी जल्दी समझना है ना, तो साइड में हम लोग बना भी लेते हैं। अपर प्लेन टू एच डी, सॉरी डिस्क, एच प्लस से डी, और लोअर प्लेन होगा तो एच माइनस से डी। अब कंडीशन दोनों के लिए क्या देख ले रहे हैं, अभी जो बीटा है ना, मैंने क्या बोला, ये बीटा आपका ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब एच प्लस, ये देखिए कि ऊपर के एरिया को हम लोग थोड़ा देर पहले क्या बोल रहे थे, ये था तो इसको बोल रहे थे ए वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो जेड इमेजिनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो लिख रहे थे। यहां पे आपको क्या करना है, बस उसी तरह इमेजिनरी ऑफ दिस बीटा ग्रेटर देन जीरो, ओके, तब नीचे है तो नीचे वाले का क्या कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस बीटा इज लेस देन जीरो। अगर इस टाइप का मैपिंग दिया हुआ है और आपका ये जो बीटा है इसका इमेजिनरी पार्ट जो पॉजिटिव हो रहा है, तो ये क्या करेगा, एच प्लस को डी पे यूनिट डिस्क ले जाएगा, और ये इमेजिनरी पार्ट इसका लेस देन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिस्क को, सॉरी लोअर पार्ट को यूनिट डिस्क पे ले जाएगा। दैट इज का मैपिंग अगर मैं शो करूं, एक सेकंड, कंप्यूटर भी लग रहा है हैंग करने का, ये हो गया एच प्लस आपका, ये हो गया यूनिट डिस्क आर बराबर वन, ये यूनिट डिस्क है, ओके। और इसी तरह हम लोग इसके बारे में बात करें, ये इसका नीचे वाला एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एच माइनस, ये भी जाएगा कुछ, ठीक है, ये इस पे मैप करेगा, क्लियर। तो यूनिट डिस्क था इसलिए अंदर का एरिया ले लिया। तो ये दोनों रिजल्ट क्लियर, सिर्फ एक रिजल्ट पे बेस्ड था कि जो बीटा हमारा होगा। अब आपको यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ, आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको ऐसे लिख के दे देगा कि ए लीजिए आपको जेड इज इक्वल टू हो गया कुछ, मान लो ऐसे दे दिया तीन, सॉरी जेड माइनस दो प्लस तीन आयोटा, ऐसे नहीं दिया रहेगा, वो आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिया रहेगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे तब इस टाइप से आएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट पता है कि आपका जो नेचर होता है इस टाइप से होता है। जो सिंप्लीफाई करने के आपको क्या करना है, जेड माइनस जितने होंगे उनको एक साथ कर लेना है और इधर कुछ ई टू दी पावर के टर्म में ला देना है। अब इतना करने के बाद आप ये रिजल्ट लगाएंगे। हालांकि नेट के क्वेश्चन और गेट में ये बहुत बार नेट गेट में पूछा हुआ है, दोनों का मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा, तो टोटल नेट और गेट का अगर 10 साल का जो मैंने देखा है 15 से 20 क्वेश्चन है, ठीक है, नेट प्लस गेट दोनों मिला के, ठीक है, सिर्फ इस पे नहीं, जो जितना मैंने अभी पढ़ा है ना सबका मिला के कंबाइंडली, चाहे किसी ऑप्शन में यूज हो रहा है चाहे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, सब मिला के, ओके। तो ठीक है, तो अभी हमारा था ए फोर्थ था ना, चलिए फिफ्थ देख लेते हैं, इसमें होगा लेफ्ट या राइट, राइट हाफ प्लेन, हाफ प्लेन टू यूनिट डिस्क। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी थ्योरी शॉर्ट हो जाए, ओके। अब इसमें भी थोड़ा सा अलग जो हमने पढ़ा, हालांकि जो पढ़ा ए टू जेड वही है, चेंजेज कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट राइट अपर लोअर ये चारों एक ही पोर्शन है। तो थोड़ा देर पहले हमने एफ जेड क्या लिखा था, ए टू आयोटा थीटा, वही चीज है, और इधर जेड माइनस बीटा अपन में जेड माइनस बीटा कंजुगेट, ये चीज था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पिछला हमने पढ़ा था उसमें ऊपर नीचे दोनों माइनस था, इसमें नीचे वाले बस प्लस हो जाएगा, इतना ही अंतर है, ठीक है। अब यहां से फिर हम वही बात करेंगे, राइट लेफ्ट राइट, राइट मतलब आर प्लस और लेफ्ट मतलब आर माइनस,
यहाँ पे जाएगा डी पे और यहां से जाएगा डी पे। अब दोनों के लिए कंडीशन देखेंगे, आपको याद है दोनों में अंतर क्या है, वहां पे दोनों माइनस था, यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन उस स्टेप से नहीं, क्वेश्चन कुछ स्टेप से दिया रहेगा, मान लो जैसे ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी इस टाइप का दिया रहेगा, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके जेड प्लस बी बाई ए और जेड प्लस डी बाई ए और कुछ ए बाई जेड ऐसे करना होगा, इस जेड को फ्री करना होगा। और अगर ये दोनों प्लस आ रहा है और आपको माइनस चाहिए तो माइनस टाइम्स माइनस बी बाई ए ऐसे लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हो गया था, अब ये आपके इस टाइप का बना। अब यहाँ पे देखिए आप बोलोगे कि रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस टाइप से आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा और जो हमें गिवन नेचर हमने पढ़ा है उसके फॉर्मेट में लाना होगा, हालांकि इतना नहीं होता है बट मैं आपको सारे पॉसिबिलिटीज बता दे रहा हूँ क्या क्या आपके साथ हो सकता है, ठीक है। ओके तो ये दो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना वाला, इसमें भी वही आर प्लस कब होगा, जब ये बीटा पे आ जाते हैं, इसका रियल पार्ट बीटा का क्या हो, पॉजिटिव, क्लियर। अब उसी तरह अगर रियल पार्ट इस बीटा का क्या हो, निगेटिव, वहां हम अपर और लोअर की बात कर रहे थे तो इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन और लेस देन ले रहे थे, यहाँ पे रियल की बात कर रहे हैं तो रियल पार्ट ले रहे हैं ग्रेटर देन और लेस देन, और लेस देन और ग्रेटर देन का मैं कोरिलेट कर ही दिया कि r प्लस के लिए x पॉजिटिव लेते थे, मतलब अगर z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई लिखे तो उसी तरह बीटा को अगर x प्लस आयोटा वाई लिखे तो इसका x का रियल पार्ट हो जाएगा, तो रियल पार्ट पॉजिटिव मतलब r प्लस। तो ऐसे केस में क्या करेगा, r प्लस को d पे भेजेगा और ये वाला r माइनस को माइनस सॉरी r माइनस को d पे भेजेगा, ठीक है। अच्छा इस d को कहीं कहीं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कहीं कहीं d को ना ऐसे भी लिखा रहता है, इसका मतलब होता है यूनिट डिस्क विथ सेंटर एट जीरो विथ रेडियस वन, ठीक है। तो आप ये मत सोच लेना कि ये क्या डी जीरो वन आ गया, जीरो वन इंटरवल है, ये जीरो लिखने का मतलब होता है ओरिजिन, चाहे टू डी थ्री डी में बात कर रहा होगा, जैसे वन डी में क्या होता है कि इंटरवल बन जाता है, टू डी में क्या सर्कल बन जाएगा, थ्री डी में स्फेयर बन जाएगा, एनीवे तो ये सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस दिस, ये लिखने का तरीका है डिस्क विद दिस, ओके ठीक है। तो यहां से ये चारों चीज क्लियर हो गया आपका, अगर इसका बनाए तो हमारा ए हो जाएगा, आर प्लस ये चीज है और ए कहां पे जा रहा, यूनिट डिस्क, ये हो गया यूनिट डिस्क, इस पे जाएगा और ए हो गया आपका आर माइनस इधर का एरिया, ए कहां पे जाएगा, ए भी यूनिट डिस्क पे जाएगा, क्लियर। तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। और एक सबसे लास्ट है, टोटल 9 रिजल्ट्स है, मैं काउंट करवा दूंगा, इन 9 रिजल्ट्स से आपके क्वेश्चन हर बार लगभग आते हैं, नेट में नहीं आया तो गेट, और लास्ट टाइम नहीं पूछा हुआ इसे क्वेश्चन, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इस बार पूछ दे। लास्ट वन हम करते हैं, बस खत्म हो गया, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बहुत बोरिंग लेक्चर आज हुआ, लंबा हुआ। अब ये होता है यूनिट डिस्क, यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क, यूनिट डिस्क मतलब होता है विथ रेडियस आर, इस पे गेट में पूछा हुआ है, नेट का मुझे याद नहीं आ रहा पूछा है कि नहीं पूछा है, क्वेश्चन तो अभी मैं देख नहीं पाया था, इट वाई टू थीटा जेड माइनस जेड नॉट, ओके अपन में वन माइनस जेड नॉट, या अल्फा बीटा कुछ भी ले लीजिए जो आपका इस टाइप से दिया रहेगा, ठीक है। जहां जेड नॉट क्या है, यूनिट सर्कल है, यूनिट डिस्क है यहाँ पे, ओके। तो ए क्या करेगा, अगर इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर दिया, देखिए क्या है, जेड माइनस जेड नॉट या अल्फा बोलिए, जहां अल्फा का क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जेड माइनस जेड नॉट अपन वन माइनस जेड नॉट का बार इंटू जेड, अगर इस टाइप का है तो ए क्या करेगा, आपको यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पर भेज देगा, ठीक है। और इसके बारे में पूछा हुआ था 2011 में, ठीक है, कि दिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज वन वन और नॉट, ऐसे कुछ पूछा हुआ था, मतलब ऐसे था वन 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 टू के बारे में, इसके सिक्स के बारे में पूछा था कि दिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज वन वन, और ये जितना आज हमने थ्योरी पढ़ाया इन पे बेस्ड क्वेश्चन,
आपके 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ऐसे पूछा हुआ है गेट में। ये गेट का मैं डाटा दे रहा हूँ, सॉरी ये नेट का है, शायद ये केवी नेट का है, ये भी नेट का है, इसमें सारा मैंने कंबाइनली किया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग शाम को करेंगे, बस मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि जब हमने इतना पढ़ लिया तो कुछ लगना चाहिए। ए सिंपली दिया हुआ ए, हाँ ठीक है, जो भी आंसर मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ए जेड प्लस बी, मतलब थीटा वाला कुछ लफड़ा लग नहीं रहा, सी जेड प्लस डी। और यहाँ पे ये दिया हुआ सच दैट ए पॉजिटिव, तो हम लोग वहां पे चले गए। अच्छा टोटल में 9 रिजल्ट्स दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि टोटल यही 9 रिजल्ट्स आपको पढ़ने हैं। रिजल्ट्स जो था, एक रिजल्ट ये था, इसके अंदर दो रिजल्ट थे, ठीक है, दो इसके अपर और लोअर, इसमें भी दो हो गया था हमारा, ठीक है, दो चार, यहाँ पे दो मान लीजिए, दो तीन छः, यहाँ पे दो चौके आठ, अरे वैसे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक एक ही मान के चलिए, एक ही बात है ना, अपर को सॉरी अपर आपको लेफ्ट में और लोअर आपको राइट में, ओके। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन इस टाइप से कुछ था पॉजिटिव वाला, इसके बाद वाले सारे एंगल्स थे, तो बिना एंगल वाला एक ही था। आप जैसे भी अपना याद रखने का तरीका देख लीजिएगा कि एक ए है जिसमें बिना एंगल के बात करते, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में, ठीक है, एक ए हो गया। दूसरा था एक अपर और लोअर के टर्म में हम बात कर रहे थे, ठीक है, ओके, इसी के दोनों एक ही पार्ट है। इसके बाद था ए यूनिट डिस्क, यूनिट डिस्क में चार थे, वही चारों प्लेन को यूनिट डिस्क पे मैप करने वाला, और एक था यूनिट डिस्क, तो चार प्लेन टू यूनिट डिस्क हो गया, एक यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क हो गया, फाइव एंड चार पिछले में हो गया, अपर टू लोअर, अपर टू राइट, लोअर टू अपर टू अपर एंड अपर टू लेफ्ट या राइट, उसी तरह लोअर टू अपर या लोअर टू लोअर एंड लोअर टू लेफ्ट और राइट, इस टाइप का कंपोजिशन था टोटल अराउंड 8-9 जो भी हुए, ओके। आपने क्या देखा कि पहला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है और बाकी सब वही यूजुअल चीजें दिया हुआ है, एच प्लस एच माइनस आर प्लस आर। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया, आपको कलम भी नहीं चलाना पड़ा, आपने देखा पॉजिटिव कुछ दिया नहीं है इसमें, ठीक है, यूजुअल एच प्लस एच माइनस है, तो आर प्लस को एच प्लस पे मैप करेगा, एच प्लस को एच माइनस पे नहीं, ये कब करता, जब ए लेस देन जीरो होता। अब सारा एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपका रिविजन भी हो जाएगा, आर प्लस को आर प्लस पे, ऐसा तो हमने अभी शायद इसमें नहीं पढ़ा था कोई, वो एंगल में आ जाएगा जब 0 डिग्री से रोटेशन होगा, तो जैसे हमारा 90 डिग्री से रोटेशन हो रहा था ना, तो ऊपर आर प्लस को अपर या लोअर जैसे स्टेप से ले जा रहा था, एच प्लस को स्टेप से ले जा रहा था, तो इस स्टेप का हमारा रोटेशन तो कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों वैसे खत्म हो गया, तो यहाँ से पहला हो जाएगा, ठीक है। ये था ना एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं हम लोग, 81 देख लीजिए, 81 आप लोग ट्राई कर लीजिएगा ना क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 81, और आप लोग देखिएगा इसका मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ, ताकि हम मैं जब बाद में शुरू करूंगा तो उस टाइम कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा इसी टॉपिक के, ताकि जब हमने इतना पढ़ा तो दिखना तो चाहिए ना कि सही में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन ए एंड बी ट्रू है, और इसको डेफिनेटली आप करके बताइएगा, अगर किसी का नहीं बना तो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। वो जो मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर रहे थे ना, तो वो चीज, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर मान लो यू इक्वल टू मेरा कुछ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इस एक्स पे डिपेंड करेगा, अगर हम मान लो इस प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन में हम देख रहे थे, तो ऑलवेज एक्स पॉजिटिव होगा, तो उस केस में क्या ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस टाइप से सब आपको देखना है, ठीक है। तो सारे एस्पेक्ट्स देखिएगा, और भी क्वेश्चन है तो लाइव भी मैं उस टाइम जब भी करवाना होगा करवा दूंगा।